बिहार की अगर बात करें तो बिहार की हार के बाद उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी के लिए भले ही साख की लड़ाई हो गई हो, लेकिन तैयारियों के मामले में बीजेपी अन्य दलों के मुकाबले फिसड्डी नजर आती है। एक तरफ पंचायत चुनाव हुए, एमएलसी चुनाव हुए और दोनों ही चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका मिला है। पार्टी की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लग रही है और ये भी तैयारियों में एक बड़ा फैक्टर बनकर ब्रेक लगा रहा है। सवाल अब यह है कि ऐसी तैयारियों के बल पर कैसे 2017 का रण जीतने का दावा करती है बीजेपी, इन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। 2014 के लोकसभा के चुनाव समेत कई राज्यों में जीत के झंडे गाड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव की तैयारियों में अन्य दलों के मुकाबले फिलहाल रेंगती नजर आ रही है। यह हम नहीं बल्कि खुद बीजेपी के शीर्ष नेताओं का रवैया बता रहा है। यूपी के चुनाव में बेहद कम समय बचा है, लिहाजा तैयारियां हर दल में दिखाई दे रही हैं। एक तरफ मोदी और नीतीश के लकी चार्म प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेसियों को जीत का मूल मंत्र बता रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर समाजवादी विकास दिवस के रूप में सरकार की योजनाओं का डंका पीटने की तैयारी कर चुकी है, जिसके जरिए सत्ताधारी पार्टी जनता से वोट मांगेगी। केवल चुनाव में वोट लेने नहीं, सही माने में महिलाओं की और नारी शक्ति के हम लोग जो है आगे आने के पक्षधर हैं। लोगों ने अपने अपने इश्यूज को हमारे सामने रखा है और हम अब भविष्य के लिए उस स्ट्रेटजी को बनाएंगे जिसके जरिए हम आने वाले दिनों में 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसकी जद्दोजहद कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी एक तरफ उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष चुनने में एक राय नहीं बना पा रही तो दूसरी ओर सीएम कैंडिडेट को लेकर रोज नए नाम हवा में तैर रहे हैं। लेकिन शीर्ष नेताओं की तरफ से यूपी में जातीय समीकरण साधने की कोशिशों में हो रही देरी का खामियाजा अब कार्यकर्ता भुगत रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी संगठन का कोई भी फैसला लेने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश लें तो किसके साथ और रिपोर्ट करें तो किसको। संगठन की आपस में फूट का नतीजा ही पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष एमएलसी चुनाव में भुगतना पड़ा। यहां तक कि यूपी स्तर पर संगठन में गुटबाजी भी बड़े नेताओं के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ये बात और है कि बीजेपी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं। हमारी तैयारी में तो कोई कमी है नहीं, हम पूरे फोकस में है और फोकस के आधार पर हुए, चाहे प्रशांत किशोर साहब हो चाहे कोई साहब हो, हमको इससे वो नहीं मतलब है। इंजीनियर ही होकर के आए थे अखिलेश जी और आज सारी इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में भूल गई है। हम आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पिछले दिनों मथुरा में हुए बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं की ओर से भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन नतीजा अभी सिफर रहा है। लेकिन गौर ये भी करना होगा कि यूपी बीजेपी संगठन की जो स्थिति 2012 के चुनाव से पहले नजर आ रही थी, कुछ ऐसे ही हाल में बीजेपी एक बार फिर पहुंचती नजर आ रही है, जहां पार्टी की यूपी इकाई एक बार फिर से बिखरी हुई नजर आ रही है। सवाल अब ये है कि अब तक उत्साह से लेवरेज बीजेपी 2017 के चुनाव करीब आते ही मुश्किल दौर से क्यों गुजर रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी के लिए 2017 की लड़ाई क्या मुश्किल नहीं हो जाएगी। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN लखनऊ।